नमस्कार, मैं हूं अंकित चौहान और मैं भी हूं मैदान में। कार्यक्रम लेकर एक बार फिर हाजिर हूं और आज हमारे साथ हैं वार्ड 29 की पार्षद प्रत्याशी माया सैनी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से अपना भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इन पर भरोसा जताया है। देखना यह होगा कि क्षेत्र की जनता इन पर कितना भरोसा जताएगी, लेकिन उससे पहले क्या विकास के मुद्दे अब बाकी रह गए हैं और किन विकास के मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रही है, इन्हीं चीजों को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे क्या विकास के मुद्दे हैं आपके। हमारे हैं कि अब मेरे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें बने, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और स्वच्छता के मतलब स्वस्थ अभियान के विषय में भी मैं ज़्यादातर ध्यान देती हूँ अपने वार्ड में। अधिक से अधिक खुद सफाई करती हूँ और साथ में लेके मैं सफाई करवाती हूँ, इस पर भी विशेष ध्यान देती हूँ। अच्छा, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्षेत्र में जाकर, कैसा प्यार मिल रहा है? काफ़ी जनता से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, सबको मुझे लग रहा है कि जैसे सब अपने ही हैं, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है मिलने के बाद। क्या उम्मीदें हैं क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता से यही उम्मीद है, उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से मुझे जिताएं और ताकि मैं दोबारा विकास करा सकूँ इस वार्ड में। अच्छे से अच्छे सारी व्यवस्था, बिजली को, पानी को, सड़क को, सफाई को लेके सारे काम में दोबारा से करा सकूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी भी और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो रह गई हैं? हाँ, कुछ रह गई हैं, जो छोटी छोटी सड़कें हैं और थोड़ा ये भारत की तरफ एक सड़क है, रोड इसको बनवानी है, ये रह गई है अभी। और एक पुतली रोड ये है सेकेंड एंट्री से लेके और पुतली रोड तक, हनुमान नगर से जो रोड गई है जी हाँ बिल्कुल, पार्किंग के पास से जी, ये रोड बनवानी है। बनवानी है क्षेत्र। अब आप फिर से एक बार बीजेपी पे, बीजेपी ने आप पे भरोसा जताया है, क्या लगता है? बीजेपी ने हमारा इस योग्य समझा है तो मुझे मतलब टिकट दिया है, मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ और दोबारा उनके उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि भारी से ज्यादा वोटों को मुझे मतलब कमर के फूल पे बटन दबाकर भारी से भारी विजय बनाए। जी, क्या कहना चाहिए? बस मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देके भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए और मुझे भी ज्यादा से ज्यादा भारी वोटों से विजय बनाए। क्या विकास के कार्य रहेंगे? विकास के कार्य यही है, जो मेरे क्षेत्र में जो कुछ काम रह चुके हैं, रह गए हैं, उसको मैं दोबारा करवा सकूं। एक यह है सेकेंड एंट्री वाली रोड है जो रामलीला मैदान को गई है, इसको बनवाने का मतलब उसको बनवानी है। और एक ये जारत से लेके क्या नाम ये संबल रोड जो डबल फाटक तक की रोड है, इसको बनवाना है। और ये यह है मेरे यहाँ है आपके क्षेत्र में ही? मेरे क्षेत्र में ही है, यहाँ से आती है ये जयंतीपुर से झील वाली रोड है, इसको बनवाना है। बस ये मुद्दे मेरे मुख्य मुद्दे हैं। क्षेत्र की जनता से क्या अपील रहेगी और भाजपा से? मैं सभी से क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि सुबह ही सुबह जा करके सबसे ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएं। मेरी बस यही अपील है, पहले मतदान फिर जलपान, बस यही मेरी विनती है सभी से। तो ये थी हमारे साथ में माया सैनी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के रूप में और प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपना नामांकन कराया था और उसके बाद में क्षेत्र में पहुंची हैं और जनता पर भरोसा जताया है, लेकिन देखना होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है। ये आने वाली 29 तारीख बताएगी और 1 तारीख को किसके सर पर ताज सजेगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी इंडिया।